हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आपका राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। तो उसके रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। तो पहला रूल है आपका, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, द लास्ट रिटेन डिजिट इज नेसेसरी इंक्रीज बाय 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, लेट द नंबर इज 12.6, ठीक है। अगर आपको, लेट मी टेक 12.67, अगर आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ओके, तो मैं इस डिजिट को देखूंगा कि ये भाई, ये 14 डिजिट मुझे हटाना है। तो देखिए, ये डिजिट अगर 5 से बड़ा है, अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इस डिजिट को मैं ये हटाकर, तो ये जो नेक्स्ट इसका जो नंबर होगा यानी 6, इसको मैं एक डिजिट इंक्रीज कर दूंगा। तो ये राउंड ऑफ होकर जाएगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 12.7। तो इस 6 की जगह मैंने 7 कर दिया। ओके, अगेन वन मोर एग्जाम्पल, अगर आपका ये है 12.6, अगर मुझको इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, तो मुझे 6 को हटाना है। अब 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये 6 को मैं हटाकर ये नेक्स्ट नंबर जो है दैट इज 2, इसको मैं एक बढ़ा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13। तो 2 सिग्निफिकेंट हो गई 13 में, तो इसका राउंडिंग ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट विल बिकम 13। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। लेट मी टेक 2.07.8। अब क्या करना है, इस डिजिट को मुझे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो भाई, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये इसका नेक्स्ट डिजिट होगा 7, तो ये एक डिजिट ऊपर हो जाएगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ होकर 27.08, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस ये है आपका रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल कहता है आपका, रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर वो डिजिट कहता है भाई 5 से कम है, तो आप क्या करेंगे, उसे लास्ट डिजिट को कुछ चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज रहने देंगे। अगेन लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ 12.43, मुझे इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 डिजिट तो ये हो गए। अब जो लास्ट डिजिट जो है लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 होगा तो क्या करेंगे, सिंपली आप इस डिजिट को ड्रॉप कर दीजिए और बाकी के नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। तो 12.4 विल बी द राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, 11.3। ओके, अब क्या करना है, इसको अगेन मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर को, तो मैं ये करूंगा, लास्ट डिजिट देखूंगा, देखिए 2 डिजिट तो ये हो गए और लास्ट डिजिट जो है वो मेरा 5 से कम है, तो इसको मैं ड्रॉप करके मेरा आंसर आ जाएगा 11 सीधा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो इट विल बी माई आंसर। लेट्स जंप टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 को देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड इफ एनी डिजिट, अगर देखिए मैं लास्ट डिजिट कौन सा है 5, एंड इफ एनी डिजिट फॉलोइंग इट इज नॉन जीरो, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, 1251। ओके, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कहां तक राउंड ऑफ करना है इसको मुझे, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या होगा भाई, अब देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस ये हो गए, अब अगला डिजिट 5 है। ओके, अब 5 क्या है, देखिए ना तो ये नंबर 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है, एग्जैक्ट 5 है। तो अगर मैं देखूंगा कि इस 5 के आगे अगर कोई भी नंबर आ रहा है, अगर ये 5 के आगे कोई भी नंबर आ रहा है, तो 5 के आगे 1 आ रहा है विच इज अ नॉन जीरो नंबर, तो आप सिंपली इस जो आपका इसके प्रीवियस नंबर होगा उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 13। आपको कुछ नहीं चेक देखना, अगर एक से कोई भी इसको फॉलो कर रहा है इट विल बी ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 32.5712 फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर को देखूंगा। ओके, अब देखिए अगला नंबर 5 है, तो अगर 5 के आगे अगर नंबर फॉलो हो रहे हैं, तो सिंपली आप इस 5 को ड्रॉप करके यहां पर एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये राउंड ऑफ होकर जाएगा आपका 33, अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको मुझे राउंड ऑफ करना है। तो यही रूल था, रूल नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रूल। तो लास्ट रूल कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड इज फॉलोड बाय ओनली बाय जीरोस, ओके, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड लेफ्ट एज इफ इट इज इवन। क्या मतलब, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने नंबर लिया आपका 11.5, अब देखिए 5 के आगे कोई नंबर नहीं, 2 डिजिट तक इधर राउंड ऑफ करना है। आई वॉन्ट टू राउंड ऑफ विद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए ये 2 डिजिट तक मुझे, तो मैं करूंगा अब इस 5 को मैं देखूंगा, अब इस 5 के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 0 ही हुआ, तो इस 5 से पहले अगर जो नंबर है, तो नंबर कैसा है भाई, ऑड है। अगर ये नंबर ऑड है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 12.5। ओके, अब देखिए इस 5 के आगे अगेन कोई नंबर नहीं, यानी 0 मान ले सकते हैं, तो अब क्या हुआ, इस 5 का कोई नंबर नहीं है, तो इससे पहले वाला नंबर मैं देखूंगा। ओके, इससे पहले वाला नंबर क्या है, वो एक नॉन जीरो है और एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगा, तो मैं इस 5 को ड्रॉप कर दूंगा और उसको क्या करूंगा, आंसर को एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि अगर इवन होगा
तो इसको मैं आई विल लेफ्ट एज इट इज, आई विल लेफ्ट उसके प्रीवियस नंबर एज इट इज. ओके वन मोर, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. अगर मैंने लिखा आपका नंबर 73.85, ओके अब क्या हुआ, लास्ट डिजिट 5 है, 5, और उसको मैं तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर. 5 के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या करूंगा, इससे प्रीवियस नंबर क्या है आपका 8, 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो मैं क्या करूंगा 5 को रिमूव करके इसको एज इट इज लिख दूंगा. तो तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक हो जाएगा 73.8, अगर इवन नंबर आई विल लेफ्ट इट एज इट इज. तो यही चार रूल थे आपके राउंडिंग ऑफ के. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि आपको मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन इसी रूल्स पर डिपेंड करेंगे. ओके होप यू लाइक द वीडियो, और आपको जो कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.